नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं अनंत ऑटो अजमेर रोड पर। राजस्थान अजमेर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अनंत ऑटो पर गाड़ी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अतुल की आने वाली गाड़ी अतुल शक्ति कार्गो के बारे में। तो दोस्तों एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आपको हर नए नए गाड़ी के अपडेट हमेशा मिलते रहें। दोस्तों तो दोस्तों भारत में ऑटो रिक्शा बाज़ार में अतुल ऑटो सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक हैं। अतुल शक्ति एक कार्गो कैरियर थ्री व्हीलर हैं जिसे भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए नया डिज़ाइन से विकसित किया गया है। अतुल शक्ति खुद के लिए एक सस्ती गाड़ी है और जिसे आप सामान्य रूप से चला सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं इस अतुल शक्ति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की। तो 385,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है अजमेर में। और ये बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप से। तो आपको यहाँ पर हाई और लो बीम में हेलोजन बल्ब यहाँ पर सेटअप आपको मिलने वाला है। इसके साथ में यहाँ मिलता है आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर प्लेट की यहाँ जगह मिलती है और यहाँ पर आपको मिलता है इसमें अतुल का लोगो। अतुल शक्ति की यहाँ पर आपको इसकी बेसिंग देखने को मिलेगी और कुछ उस प्रकार की विंड स्क्रीन फ्रंट की। वाइपर सिंगल वाइपर आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसके साथ मिलती है आपको यहाँ पर इसमें 24 महीने की वारंटी। साइड में ग्लास और यहाँ पर ORM की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के ORM देखने को मिलेंगे जिससे ड्राइवर अपने पीछे साइड इसमें आसानी से कवर कर सकें। और ये बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशंस की। ड्रम ब्रेक मिलते हैं इसमें और लीडिंग लिंक टाइप कोयल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं इसमें फ्रंट सस्पेंशंस में। सिंगल हॉर्न और यहीं पर बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक क्षमता की। यहाँ आपको मिलता है इसका फ्यूल टैंक और 7 लीटर की कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक मिलता है। और ये बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। इसकी लंबाई मिलती है 3,328 mm, चौड़ाई मिलती है 1,550 mm और ऊंचाई मिलती है इसकी 1,830 mm। व्हील बेस की बात करते हैं 2110 mm का यहाँ पर इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा। उसके कार्गो स्पेस की अगर लंबाई की बात करें तो 5 फुट लंबा आपको ये मिलता है। और पीछे बात करें तो आपको पीछे भी इसमें ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलने वाला है। टायर की यहाँ बात की जाए तो 4.5x10.8 PR टायर मिलते हैं। पीछे वाला सस्पेंशन की यहाँ बात की जाए तो यहाँ बात की जाए सस्पेंशन के पीछे के तो आपको कमाने पत्ते सिस्टम मिलने वाले हैं पीछे में और 2 शॉकर भी मिलने वाले हैं शॉक एब्जॉर्बर पीछे। और रियर व्हील ड्राइव आती है ये। नीचे इसका स्पेयर व्हील आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मिलते हैं अतुल की बेजिंग आपको, अतुल शक्ति की ग्राफिक्स। टेल एम की बात की जाए तो इंडिकेटर रिवर्स रिफ्लेक्टर और इसमें आपको स्टॉप लैंप मिलने वाली है। यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह मिलने वाली है इसके साथ साथ यहाँ पर भी। और यहीं पे बात कर लेते हैं इसके केबिन के अंदर के एरिया की। तो हैंडल बार आपको इसमें स्टीयरिंग मिलने वाला है। 4 स्पीड गियर शिफ्ट मिलने वाला है मल्टीप्लेट क्लच के साथ। इधर इसके हेडलाइट यूनिट कंट्रोल्स सेल्फ स्टार्ट है इंडिकेटर कंट्रोल्स और यहाँ पर मिलता है हॉर्न और एक्सीलेटर। यहाँ पर हजार्ड्स के कंट्रोल्स वाइपर के कंट्रोल्स और साथ साथ कंपनी आपको चार्जर भी ऑफर कर रही है। यहाँ पर USB चार्जर ऑफर कर रही है। यहाँ से आप की लगा के से स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइट के कंट्रोल्स हैंडल भी आप इसे लॉक कर सकते हैं। इसका हैंड ब्रेक और कुछ इस तरह का इसके ब्रेक हाइड्रोलिक। ये इसकी जेक रोड है यहाँ पे और ये रिवर्स का पेंडल है। इसे आप दबा के रिवर्स ले सकते हैं गाड़ी को। डी वायर एंड स्टॉप बटन। और अब यहाँ से करते हैं इसकी की ऑन। और यहाँ देखेंगे इसका क्लस्टर आप 0 से 80 की स्पीड है और मैक्सिमम स्पीड है इसकी 50 किलोमीटर। इधर मिल जाता है आपको फ्यूल एल गेज
अतुल की ब्रांडिंग सामने, बेट रोल की लाइट, ये इसका है ग्लो बॉक्स और काफ़ी स्पष्ट मिलता है इसका ग्लो बॉक्स में। आप अपना मोबाइल वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैसे वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर अपना रख सकते हैं। चाबी से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं और कुछ इस तरह की मिलती है आपको इसकी चाबी, यहाँ मिलती है इसकी वाइपर्स मोटर्स ऊपर ही। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नाइट मोड के लिए LED रूफ लाइट मिलने वाली है। और यहाँ पर स्पेस की बात करें सीटिंग की, तो दो जना यहाँ से आसानी से बैठ सकते हैं। ड्राइवर के साथ उसका साथी भी यहाँ बैठ सकते हैं। और ये इसका है बैक सपोर्ट। और पीछे के एरिया को देखने के लिए यहाँ से आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी रखने के लिए यहाँ पर और स्पेस। और यहीं पे बात कर लेते हैं इसके इंजन के दोस्तों, तो आपको इसमें मिलने वाला है BS6 598 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन, जो 9.38 HP की पावर व 23.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये ग्रोस वेट की यहाँ बात की जाए तो 1020 kg का ग्रोस वेट मिलता है आपको इसमें अतुल शक्ति कार्गो में। और यहाँ पर माइलेज की बात की जाए तो 36 किलोमीटर पर कंपनी इसमें माइलेज का दावा करती हैं। बॉडी ऑप्शंस की बात करें तो डेक बॉडी मिलती है, केबिन टाइम मिलती है डे केबिन, टर्निंग रेडियंस मिलता है 2500 mm का। हाँ तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये ऑल न्यू अतुल शक्ति कार्गो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर my old friends।